देख रही है जय, कितना बढ़िया घर है यार, कितना आलीशान है। हाँ यार, ये घर तो बहुत अच्छा है। इससे पहले तो सारे बेकार घर दिखाए थे डीलर ने। सही कह रही है यार, कितना बढ़िया घर है, कितने सस्ते में मिल गया हमें ये घर। हाँ यार, हमारी तो लॉटरी लग गई, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अब। बस इस पूरे घर में तू और मैं होंगे। ऐसे कैसे, मैं भी तो हूँ। कोई था क्या, अच्छा है क्या? हाँ लगा तो सही। चल भाड़ में जाए, हम अपना कमरा देखते कैसा है। चल चंद्रमुखी मैडम जी, आप रुक क्यों गया? मटका रहा अपनी कमर से मटका रहा था। मैम वो तो स्टेशन में नहीं था, कोई काम इसका, इसलिए कर रहा था थोड़ा डांस इसका। काम नहीं है अब तेरे पास, अभी तेरे को काम देती हूँ। वो दीवार पे पिक्चर दिख रही है, चिपक जा उसी की तरह जाके दीवार पे। अरे मैडम जाने दीजिए ना, मर जाएगा बेचारा। तू क्या ज्यादा परेशान बन रहा है, तू भी चिपक जाके उसकी तरह। ओए सुना नहीं चंद्रमुखी मैडम ने क्या बोला, चल जाके चिपक जा। ओए टिम टिम, नींबू लेके आए, रख इसके सर पे, मैं दिखाती हूँ निशाना क्या होता है। मैम जी मैडम। बंदूक मत मारना मैम। अरे अरे तुझे नहीं मारेगी यार, हमारे लिए थोड़ी है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, मारने के लिए थोड़ी। क्यों मैडम, मरमा करेला रेडी है। तो क्या यहाँ परोसने आई हो? परोसने नहीं आए मैडम, हम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं, वो ने भूत की हमारे घर में आ गया और अब जाने का नाम नहीं ले रहा, नाक में दम कर दिया। मैम हमारे घर में ना बहुत बड़ा, नहीं नहीं बहुत छोटा सा भूत आ गया। ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता है। अरे मैडम होता है होता है, हम भी पहले यही तो होते थे, भूत पिशाच नहीं होता, पर जब से हमारे घर में आया ना अब पता चल गया हमारे घर में भूत है और सच में होता है। सस्ता कर लिया था अच्छा सा, पर उसमें भी भूत आ गया। सस्ता कर लिया ना, इसीलिए फंस गए हो तुम लोग। अब क्या करें? शीतल तुम कहाँ चली गई थी? शीतल मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इतना प्यार करता था मैं तुमसे, तुम मुझे बिना बताए चली गई। अबे ओ जैक इधर आ। अरे रुक ना, अभी आई। अब तुम आ गई हो ना तो हम दूर पहाड़ों के बीच में समुन्द्र के नीचे बैठ कर आराम से बातें करेंगे, ठीक है? अबे वो बाबूलाल, इसकी आदर्श वापस लेके आ, फिर से चली गई। ए आंटी ये क्या कर रही हो मेरे साथ? आंटी जान देखियो, आंटी बोल रहा है मुझे। क्या हुआ जान, जा जा चिपक जा उसके। आओ मैडम तुम लोग बैठो यहाँ पे, मुझे अपनी कंप्लेंट लिखवाओ। ओए बाबूलाल ये टिमटिम को जरा अंदर डाल। जी मैडम। हां जी अब बताओ। हाँ जी मैडम बताओ, क्या सरनेम है तुम्हारे भूत का? अरे मैडम, अरे उसका कोई सरनेम नहीं है, सरनेम छोड़ो सर पैर भी नहीं है, शुरू होने से पहले ही वो खत्म है। वो ना भूत है वो, उसने तो हमारे नाक में दम कर दिया, हमारे घर में जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ करो मैडम। ये भूत मिसाल ना कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिख लेती हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे ये पुलिस इज नॉट डूइंग देयर जॉब। अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था मुझे, मैं 5 मिनट में आती हूँ, यहीं बैठो तुम लोग। जी मैम। पापा को कॉल करती हूँ। डैड है इनका फोन, तो फोन किसका आया है? पारुल तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ ना हर टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। लॉकअप में खड़े खड़े, बाथरूम में सोते सोते और टेबल पे लेटे लेटे बस तुम्हें ही याद करता हूँ मेरी पारुल। अरे ओ मशरू की औलाद, अभी निकालती हूँ मैं तेरी आशिकी। मैं सॉरी सॉरी। ओ जा तू तब से खड़ा हो जाके साइड में, नलायक कहीं का। आओ लड़कियों तुम लोग बैठो इधर।
अब बताओ क्या क्या है तुम लोग के भूत ने। अरे मैडम कितनी बार बताऊं, हाल बेहाल कर दिया उनने हमारा और अब फिर से पूछ रही हो। अरे कुछ करो, इसको पकड़ो यार सीधा। मैम आपको नहीं पता, हाथ पैर सर सब कुछ दर्द कर दिया उसने। है वो बोना सा लेकिन तंग बहुत करता है। अरे देवियों ये सब तो 100 बार सुन चुकी हूँ, डिटेल में बताओ। लो अब डिटेल में भी बता ही देती हूँ। हमारी पहली रात थी उस घर में, फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। चीत जवाब दम दम। अरे चैक तूने दाढ़ी कब बना ली रे, और बताया भी नहीं। अबे अदिति तूने ये बाल कब कटवा लिए और बॉय कट करा लिया, मुझे बताया भी नहीं। चीत जवाब दम दम। यहाँ पे भूत था ना चैक? हाँ यार था तो सही। कहाँ गया? सर दुख रहा है यार मेरा, सपना होगा शायद यार। हाँ हो सकता है सपना देख रहे होंगे। सो जाते हैं यार। चल ये किया हमने। अब मैं दूसरी रात की बात बताती हूँ मैम, चलो। अबे ओ चहक की बच्ची, अबे अंदर ही सो गई है कि जल्दी निकल यार। तू तो बाहर नहीं निकलेगी तो मेरी निकल जाएगी। ओए माँ जल्दी निकल, अबे ओ कुत्ती जल्दी निकल। तू यहाँ है तो अंदर कौन है, क्या हुआ? चीटवाग डम डम, अब तुम अंदर जा सकते हो। ये तो बड़ा ही खतरनाक भूत लग रहा है। कोई चोर चक्का होता तो मैं ऐसे पकड़ लेती, पर ये तो बोना भूत है और मैं कोई तांत्रिक भी नहीं हूँ, मैं हूँ पुलिस वाली, तो कैसे ही पकड़ूंगी। मैडम मैं पकड़ सकता हूँ भूतों को, जब मैं गांव में था ना तो मेरे मामा और चाचा ने मुझे भूत पकड़ना सिखाया था, तभी मेरे को भूतों पकड़ने वाली विधि आती है। ले मिल गया तांत्रिक, हो गया तुम्हारा काम, बैठे बैठे मिल गया झाड़ फूक वाला। पर मैडम मुझे थोड़ा सामान चाहिए होगा। हाँ तो बता दे, ले आएंगी लड़कियाँ सामान। बकरे की टांग, उल्लू की आंख, मगरमच्छ के आंसू, छिपकली की टट्टी, बंदर की पूंछ, बस हो जाएगा। ले आओगी ना लड़कियाँ? हाँ ले आएंगे। हाँ हाँ ले आएंगी। चल लेके आता। चिंगा लाला हो हो, जादू करूं मैं हो हो। बताओ लड़कियों क्या नाम है भूत का? बोना भूत। बोना भूत, बोना भूत प्रकट हो, बोना भूत प्रकट हो, पुलिस स्टेशन में प्रकट हो, बोना भूत प्रकट हो। चीन जवाब डम डम। मुन्ना तू कहाँ चला गया था, तेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है। तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। चल अपना तेरे दूध पीने का टाइम हो गया है, बहुत भूखा होगा ना। अरे ओ तांत्रिक ठीक करो इसे, जल्दी ठीक करो। अरे मैडम अपने इस कार्टून को और मिलाओ। तुमने मुझे नीचे गिराया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीन ढाक डम डम ले ले। अरे ओ तांत्रिक रुको फिर ठीक करो। जी मैडम। पिंकी बिंकी बूंकी बूम फू। चीन ढाक डम डम क्यों बुलाए मुझे यहाँ? बोने भूत क्यों इन लड़कियों के पीछे पड़ा है, क्यों इनको जीने नहीं देता, क्यों इनके पीछे पड़ा है, क्यों इनके घर पे घुस के बैठा है, चला क्यों नहीं जाता इनके घर से, क्या बिगाड़ा इन्होंने तेरा? वो घर मेरा है ना कि लड़कियों का। अबे वो छूटे मक्कार भूत, ज्यादा झूठ मत बोल, समझ गए पुलिस वाले हैं, मैं वैसे भी डरती हूँ। अबे वो बोले हम रह रहे थे उस घर में, वो भी किराए लेके, वो फ्री में रह रहा है, पैसे भी नहीं देता। पुलिस जी इसको हवालात पे भेजो। चुप कर पागल लड़कियों, मैं वहां सालों से रह रहा हूँ,
किसी हादसे में मेरी मौत हो गई थी, इसीलिए मैं तब से वहाँ कैद हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ बोना भूत, तुम्हारी हाइट इतनी कैसे रह गई वैसे? वो ना बचपन में मेरी माँ ऊपर से सिलेंडर उतार रही थी और वो सिलेंडर मेरे ऊपर आके गिर गया, इसलिए मैं जमीन में धस गया और मैं बोना रह गया। ओ, मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। अब ये बताओ बोने भूत, तुम इनके घर से जाने का क्या लोगे? जाने का? जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हैं? क्या मतलब, आज तक आपकी शादी नहीं हुई क्या? हुई थी एक बार, पर वो भाग गई। इतनी बुरी शक्ल है, छोड़ के तो भागेगी। चुप करो, वो शक्ल देख के नहीं, मेरी हाइट देख के भागी थी। कैसी बहू चाहिए तुझे? अरे ये पुलिस वाले भी चलेगी और ये दोनों लड़कियां भी चलेगी। ओए माँ। अरे भाई मेरा तो ब्याह हो रहा है, इन दोनों में से किसी को देख ले। अरे क्यों ना मैं इन दोनों से ही शादी कर लूं? नहीं 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 नहीं, भाग भाग चल भाग। कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, भाई फैला दो वीडियो को फुल, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को फैला दो, बहुत सारा प्यार दो, मिलते हैं जल्दी प्यारे लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आओ आओ।